फ्रेंड्स, आज मैं मुगौड़ी बनाने वाली हूँ। तो ये अदरक लहसुन मिर्च ली हूँ मैं, और ये हमारा दाल है जिसे मैं रात में गला दी थी, तो ये अच्छा फूल गया है। तो ये देखिए अच्छा दब रहा है ये ऐसे। अब इसे हम पीसेंगे। तो ये हम जार में डाल दिए हैं, और ये अब हम ये भी सब डाल देंगे काट के। ये मैंने कट कर लिया और डाल दिया, अब इसे हम पीसेंगे। ये देखिए मैंने पीस लिया है, अब इसे हम पलट देंगे और पीस लेंगे। ये देखिए मैंने सारा पीस लिया, और इसमें ये धनिया डाल दिया, हरा धनिया काट के। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, नमक, धनिया पाउडर, आप चाहो तो प्याज भी डाल सकते हो, मैं भी एक प्याज काट के डालूंगी। ये देखिए मैंने प्याज भी मिला दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने ऐसा मिला लिया है अच्छे से, अब नहीं ये अच्छे से मिलाएंगे इसको। और ये कढ़ाई में हम तेल चढ़ा दिए हैं, गरम हो गया है तेल, अब इसमें हम मुगौड़ी डालेंगे। तो ये हम थोड़ा थोड़ा लेके ऐसे बरी जैसे इसमें तेल में डालेंगे। तो ये देखिए ऐसे, तो ये देखिए हमारी मुगौड़ियाँ हो गई हैं। अब इसे हम टिश्यू में निकाल लेंगे, जिससे जो तेल है एक्स्ट्रा वो उसमें छूट ले। तो ये हमारी मुगौड़ियाँ रेडी हो गई हैं, और ये टमाटर की चटनी और मुगौड़ी आप लोग भी बनाओ और खाओ। बताओ कमेंट्स करके कैसा बना है। थैंक यू।